तो गाइस फाइनली हम लोग का पूजा वगैरह हो गया और हम लोग यहाँ से अब जा रहे हैं सरस्वती नदी सुंदरा फॉल और सरस्वती नदी जाएंगे हम लोग यहाँ से। तो चलिए गाइस अब आगे चलते हैं, बद्रीनाथ का दर्शन वगैरह हो गया, अब निकलते हैं हम लोग आगे। चलिए गाइस अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से माना गाँव, तो वहाँ पे बोलते हैं पहले भारत का आखिरी गांव था पर अब प्रथम गांव हो चुका वहाँ का पहला गांव। तो चलिए अब चलते हैं, हमारे साथ यहाँ के अम्मा है, तो नेपाली अम्मा है उनके साथ, ये बेबी भी है, तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, सरस्वती नदी और वहाँ एक वसुंधरा फॉल है वो देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, स्वागतम माना गाँव। तो चलिए अब इन होते हैं यहाँ से हम लोग। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं छोटा सा गांव बोल सकते हैं जो बता हुआ है यहाँ पे। गाइस एक ट्रैक है यहाँ पे, मतलब सीढ़ी टाइप का, तभी आपको सरस्वती नदी और वसुंधरा फॉल देखने के लिए मिलेगा। चलिए ये सीढ़ी बाई सीढ़ी एक गांव भी यहाँ बसा हुआ है। हम लोग यहाँ पे मैगी खाने के लिए रुके हुए हैं और हम सोचते हैं पकौड़ी खा लें, तो अभी मैगी बन रहा है। यहाँ का फास्ट फूड जो होता है मैगी, पहाड़ पर्वत पे आप मैगी नहीं खाएं तो क्या खाएं ऐसा कहा जाता है। तो यहीं बैठे हुए हैं, एक फ़ोन में बात कर रहा है, एक भटक रहा है और दो भाई इधर थोड़ा है परेशान, एक भाई मैगी का वेट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं मैगी कैसा बनता है, फर्स्ट क्लास वेट करते हैं मैगी का। सबसे पहले आप मूल कुल पी रहे हैं क्योंकि ट्रैक बहुत लंबा होने वाला है, 5 किलोमीटर, जो ट्रैक पूरा करने में बोलते हैं यहाँ पर 5 घंटा लगेगा। तो इससे पहले खा पी ले रहे कुछ, वहाँ मैगी बन रहा है हम लोग का फर्स्ट क्लास, मैगी भी खाएंगे पहले, इससे पहले ठंडा कुछ पी लेते हैं। गाइस गर्मा गर्म मैगी खाने जा रहे हैं और ये भाई लोग खा लिए, हम लोग दोनों का थोड़ा लेट से बना था, तो चलिए अब खाते हैं गर्मा गर्म मैगी। तो टेस्टी मैगी। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं ये हम लोग जा रहे हैं सरस्वती नदी के पास, उसके बाद जाएंगे वसुधारा फॉल। तो गाइस यही है सरस्वती नदी जो यहाँ के बाद सीधे पाताल लोक में चले जाती है। तो ये सिर्फ बोलते हैं भारत में एक ही जगह से देखा जाता है, वो सिर्फ बद्रीनाथ के पास में ही 1 किलोमीटर के आसपास, 1.5 किलोमीटर के आसपास ही है। तो सरस्वती नदी यही है जो पहले झील बनती है उसके बाद नदी में मिल जाती है, और इसके बाद ये कहाँ जाती है नदी पता नहीं है, कितना यूनिक सा लग रहा है दोस्तों। और सरस्वती जी का शायद यहाँ मंदिर भी बन रहा है और वहाँ पे सरस्वती माँ का एक मूर्ति भी है, चलिए आप लोग को वो मूर्ति दिखाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं सरस्वती नदी जाने का रास्ता है और ये सरस्वती माँ का जो बोलते हैं मूर्ति, यही है सरस्वती नदी। बोलिए जय सरस्वती माँ। माना गांव जो बद्रीनाथ के पास में है और ये सरस्वती नदी अपने आप में एक अद्भुत है, और बोला जाता है इस सरस्वती नदी का जल होता है जो अपने घर पे ले जा सकते हैं और ये पवित्र जल होता है, अपने घर में ले जाके इसे रख सकते हैं आप। तो आप इसे नदी से भी ले सकते हैं या तो फिर आपको ये बगल में दुकान पे आराम से मिल जाएगा, जो 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये के आसपास, जितना बड़ा आप डब्बा लोगे उस हिसाब से आपको दे दिया जाएगा, वहाँ पे डब्बे पे रेट लगाया जाता है। तो आप ले जा सकते हैं उस जल को, ये जल छिड़कने से बहुत शुभ माना जाता है घर पे। और इस नदी के बारे में क्या ही बोलूँ, बहुत सुकून था। और सरस्वती माँ का यहाँ मंदिर भी बन रहा था और सरस्वती माँ का एक मूर्ति जाने का रास्ता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, सरस्वती नदी का दर्शन करवाता हूँ दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं कितना ऊँचा पहाड़ और यहाँ जो बीच से बह रहा है वो सरस्वती नदी है, और यही नदी जो बोलते हैं यहाँ के बाद जो भारत में और दिखती है एक ही जगह सरस्वती नदी, उसके बाद ये नदी लुप्त हो जाती है, कहीं नहीं दिखती है, पाताल लोक में चली जाती है नदी। ये नदी का ऐसा मानना है यहाँ का कहने वाले लोग, और जहाँ तक हम सुने हैं कि ये नदी यहाँ से लुप्त हो जाती है। तो गाइस यहाँ से अब हम लोग शुरू करने वाले हैं वसुधारा फॉल का ट्रैक स्टार्ट। तो वसुधारा फॉल अपने आप में एक रहस्यमय फॉल है और एक महत्वपूर्ण फॉल है, जो इसके बारे में बहुत सी अनसुनी बातें और
दोस्तों लोग से और किस गांव वालों लोग से सुनने के लिए मिला है कि जैसा कि आप लोग ने वीडियो में पीछे देखा हो कि एक अम्मा थी हमारे साथ जो लिफ्ट लेके आ रही थी कार पे, तो उस अम्मा ने बताया कि इस फॉल पे, वसुधारा फॉल पे, पापी लोग पे वो पानी नहीं गिरता, वो पानी ऑटोमेटिक रू मोड़ लेती है, रास्ता मोड़ लेती है, या तो वो पानी का जो फॉल का जो पानी होता है वो नहीं गिरता है, कहने का मतलब है। तो ये पानी जो वसुधारा फॉल का जो पानी है वो बहुत किस्मत वाले लोग पे ही गिरता है और पापी लोग पे एकदम ही नहीं गिरता है, कहने का ये मतलब है। और मैंने जहाँ तक सुना है तो जो और जिन पे वो पानी गिरता है, वो पानी बोला जाता है जिनको शरीर पे कोई कष्ट हो या कोई दुख हो या किसी तरह को प्रॉब्लम हो, उनका प्रॉब्लम दुख कष्ट सारा खत्म हो जाता है। तो बहुत किस्मत वाला पे ही गिरता है ये वसुधारा फॉल का पानी, और वो पापी आदमी लोग पे नहीं गिरता है। बट ये तो अब कलयुग है, ये अब कितना सत्य है और असत्य है वो तो भगवान ही जाने। तो चलिए आप लोग के साथ मैं भी चलता हूँ वसुधारा फॉल, और एक इम्पोर्टेंट बात आप लोग के साथ और मैं शेयर करता हूँ दोस्तों, कि यही जो रास्ता है जो 5 पांडवों और एक कुत्ता साथ में स्वर्ग के रास्ता की ओर बढ़ा था, यही रास्ता है, यही ट्रैक है। तो यहाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट से बात है दोस्तों। चलिए आप लोग के साथ इस वीडियो में आप लोग को धीरे धीरे बताता हूँ दोस्तों, और कितने श्रद्धालु लोग मिलते हैं सारा आप लोग को वीडियो में कंटिन्यू पता चलेगा। तो गाइस वीडियो को वॉच करें फुल। अभी थोड़ा सा हमको दिख रहा है, लगता है वही है वसुंधरा फॉल। ओह देखिए एक हल्का सा व्हाइट व्हाइट जो आ रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे गौर कीजिएगा, वही है शायद वसुंधरा फॉल। तो चलिए वहीं चलते हैं। आप लोग को लगता है उसी नदी का ये धारा है फॉल का, ये स्वर्ग का रास्ता जैसा ही फील हो रहा है पूरा। चलिए गाइस चलते हैं आगे। गाइस अभी स्वर्ग का रास्ता चल रहे हैं हम लोग वसुंधरा फॉल, तो कुछ भक्त और मिल गए, चलिए उनसे मुलाकात करवाते हैं। ये भी भक्त धार्मिक है, अपना नाम बताइएगा आप कहाँ से। सुनील कुशवाहा आया मऊरानीपुर से, जिला झांसी है जी मेरा आने का। हाँ तो देखिए ये भी आए हैं स्वर्ग के रास्ते में, अपना नाम बताइए। कल्लू रे अखबार जी, आप कहाँ से हो। मऊरानीपुर जिला झांसी जी, उत्तर प्रदेश। आप सुरेश कुशवाहा, आप कहाँ से हो। जिला झांसी मऊरानीपुर। तो जैसा कि देखें इन लोग का आपको इंट्रोडक्शन करवाया सब, ये तो इन लोग क्या नाम है बता दीजिए, मऊरानीपुर से आए हुए हैं। तो ये भक्त भी हम लोग के साथ मिल गए, तो अब चलिए साथ में ट्रैक को पूरा करते हैं वसुंधरा फॉल। तो वो वसुंधरा फॉल बहुत बड़ा जगह है, और ये स्वर्ग का रास्ता ले जाता है जो 5 पांडव थे और उसके साथ एक किए थे, तो वही जा रहे हैं वसुंधरा फॉल। वहाँ वसुंधरा फॉल का एक जो खास बात सुनने के लिए मिला है दोस्तों, उस वसुंधरा फॉल में बोला जाता है कि पापी आदमी होता है उस पर वो पानी नहीं गिरता है, वसुधारा नहीं गिरता है, और वो पानी अगर भगवान खुश हो के आपके ऊपर गिर जाता है तो आपके शरीर में किसी तरह का कष्ट हो यह दूर हो जाता है, कष्ट हो, प्रॉब्लम है, या किसी तरह का कोई पाप होता है वो खत्म हो जाता है और आपको पुण्य का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए अभी चलते हैं आगे वसुंधरा फॉल, सब साथ में ही चल रहे हैं, चलिए अब आगे दिखाते हैं। देखिए गाइस आ चुके हैं अभी, तो थोड़ा सा रास्ता समझ में नहीं आ रहा है किधर को जाना है, पर हमको लगता है वसुंधरा फॉल के पास में ही है एक झरना जो बह रही है यहाँ से। तो अभी कुछ लोग को आने देते हैं, यहाँ थोड़ा सा वेट करते हैं। तो इधर तक किधर जाना हमको भी नहीं पता है, किधर से वसुंधरा फॉल गिर रही है, हमको लगता है वो रास्ता होगा, पर किसी को आने देते हैं, अकेले जाना सेफ भी नहीं है। तो चलिए वीडियो में आगे आप लोग को और दिखाते हैं वसुंधरा फॉल के बारे में। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग रेस्ट करते हैं। तो अब वसुंधरा फॉल के पास में ही है, तो सही कहा गया है भोलेनाथ पहाड़ों के दीवाने हैं और माँ पार्वती भोले भगवान के दीवानी हैं। तो भोलेनाथ पहाड़ों पर्वत में रहना ज़्यादा पसंद करते थे, तो एक कहावत सही है दोस्तों कि माता पार्वती ऐसे ही भोलेनाथ का तपस्या देख के अपना महल घर बार छोड़ के पहाड़ों में क्यों रहने आ गई। तो आज ये पता चला कि पहाड़ों में भाई जन्नत है। तो माता पार्वती क्यों भोले शंकर के साथ रहने को आ गए अपना महल छोड़ के, वो आज पता चला दोस्तों। तो आप सब मिल के बोलिए ओम नमः शिवाय,
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो कुछ भक्त भी और मिले हैं हमें, तो भैया आप कहाँ से हो? पंजाब से। आपका नाम, शुभ नाम क्या हुआ भैया? रोहित कुमार। रोहित कुमार, आप कहाँ से हो भैया? मैं भाई अभी सागर से हूँ, मेरा नाम संतूर महोदिया है। भैया आप ही अपना इंट्रोडक्शन दे दो। छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आए हो? बिलासपुर से आए हो। तो यहाँ पे कितना धार्मिक स्थल है तो सोच सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे और ट्रैक। तो भैया और भी कुछ है? आप कहाँ से हो भैया? राजस्थान, बीकानेर। राजस्थान से हो? बिल्कुल। और आप कहाँ से भैया? राजस्थान। हम दोनों भाई भाई। ओ भाई, आप लोग इतना दूर से आए हुए हो? हाँ। तो बाबा के भोलेनाथ के हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। देखिए अभी एक भक्त मिले हमको, यही जो आपको थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन करवाए थे। जिस तरह मेरा घर और मेरा दोस्त लोग ने बोला था कभी मत जाओ, बहुत बारिश होगा, बट अभी कोई बारिश नहीं। जैसा कि देख सकते हैं मौसम पूरा साफ है और भोले बाबा का कृपा ही है, ये बोल सकते हैं। भोले बाबा देख सकते हैं मौसम को अपने और खींचे हुए हैं। वसुधारा जा रहे हैं अभी। तो देखिए केदारनाथ के लिए भोले बाबा की कृपा से ये केदारनाथ घूम के आए हुए हैं। तो केदारनाथ का मौसम कैसा था वहाँ पे? मौसम बहुत बढ़िया, बहुत ठंडा है, अच्छा मौसम है। बारिश वगैरह तो नहीं हो रही थी? नहीं हुआ बारिश। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, अच्छी से जिनके मन में श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, भगवान उनके साथ होते हैं। रियल में ये कहा जाता है, रियल में कहा जाए, मैं आते वक्त इतना लैंडस्लाइड देखा, मिट्टी गिरा हुआ रोड में, कि मेरे को तो डर लग रहा था रोड में। रास्ते में भी रास्ता बंद बोल सकते हैं, जो हाईवे रोड है वो मिट्टी का सड़क बना हुआ था। तो ऐसा में हम लोग ट्रेवल करके आए, ऐसा मुसीबत में हम लोग निकल गया भोले बाबा की कृपा से। बहुत सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। तो आप कहाँ से है बाबा? मैं एमपी सागर से हूँ। एमपी से आए हुए हैं, सोच लीजिए बाबा। अभी मेरे फ्रेंड लोग पीछे, ये एमपी से, झूठ तो मैं नहीं बोल रहा, आप एमपी से हो ना? मैं एमपी सागर से हूँ। देख लो, मैं सूरत गुजरात से आया हूँ, काम करता हूँ कंपनी में। ओहो चलिए ठीक। हरिद्वार नहा के आया, सीधा केदारनाथ गया, केदारनाथ से बद्रीनाथ था, भोले बाबा की कृपा से वसुधारा की कृपा जा रहा। तब दोबारा आने का मन है? दोबारा देखेंगे भोले बाबा की कृपा, बुलावा आएंगे तो जरूर आएंगे ना? बुलावा आएंगे तो आएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, का लीला देख लो, वहाँ देख लो बहुत सारे गाय जो अपना भोजन घास खा रहे हैं और वहाँ पे कुछ लोग है। तो ये बाबा का कृपा ही है जो इतना अंदर और इतना पहाड़ी इलाका में ये कैसे आए, कहाँ से आए, अब प्रभु ही जाने क्या लीला है इसका। तो इसके आगे चाइना है, तो हम लोग को उतना दूर नहीं जाना, इतना आप लोग को बताया मैंने। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या मिलता है हमें देखने के लिए। तो बाबा के कृपा से वसुधारा फॉल आ चुके हैं दोस्तों, देख लिया दोस्तों। बहुत बड़ा ये सपना था मेरा और इसी उम्र में मैंने देखा इस पल को, खुश नसीबी बोल सकता हूँ दोस्तों। ये प्रभु का कृपा जो आज मेरा पूरा हो चुका है। गाइस देखिए, एक और हमारे भोले के भक्त मिले हैं जो शिव का परिकर शिवलिंग बना रहे हैं, भोले का आशीर्वाद के कृपा था ये भी। ओ, कैसे हो भैरव बाबा? हर हर महादेव। तो ये बाबा मिले हैं हमें, हर हर भोले बाबा। तो गाइस यही है वसुधारा फॉल, जो हर हर महादेव। गाइस यहाँ पे वसुधारा का दर्शन हो गया, जो पवित्र जल गिरता है ऊपर से वाटरफॉल झरने से, तो दर्शन हो गया। जैसा कि देख सकते हैं मैं पूरा भींगा हुआ दोस्तों, तो अभी मैं सूख रहा हूँ। जिन लोग मेरा दोस्त थे उन लोग बहुत लेट से आए, तो उन लोग अभी वीडियो वगैरह बना रहे हैं, नहा रहे हैं उस फॉल पे। मैं नहा वहा लिया, फ्रेश हो गया पूरा, मतलब फॉल पे भींग लिया, उसी को नहाना बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ का नज़ारा कुछ इस टाइप का है दोस्तों, आए तो एक बार जरूर आए वसुधारा फॉल, बहुत अच्छा जगह है दोस्तों। तो सही फ्रेंड्स को लिए ये वीडियो। तो गाइस अब ज़्यादा मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, तो वसुधारा फॉल का वीडियो यहीं तक। तो कुछ टॉपिक रह गया होगा तो मैं इसे कवर कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू फ्रेंड्स। जय भोलेनाथ, हर हर शंभू, ओम नमः।